अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि दोस्तों और शानवास। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि दोस्तों, मामा वेलकम टू आवर चैनल ग्रीन्स एंड रोज़ेस। अच्छा दोस्तों, आज जो हम लेसन्स ऑफ लाइफ में जो टॉपिक हमने लिया है उसमें मामा आपको कुछ समझाना चाहती हैं, ठीक है शानवास? मुझे ये बताएं कि अगर कोई इंसान जो है पानी में डूब रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमने उसको हेल्प करना है। हेल्प कैसे करेंगे उसको? आप अपना हाथ पकड़ा सकते हैं या फिर पानी में खुद जाके उसकी उसको बुला सकते हैं, राइट? ऐसे ही करेंगे? नहीं, उसने एक लाइफ बोट देना है। अच्छा, जस्ट इन केस अगर आपके पास लाइफ बोट नहीं होगी तो ऑब्वियसली आप उसको अपना हाथ पकड़ाएंगे, ठीक है? स्टिक। अच्छा, स्टिक भी पकड़ा सकते हैं। तो अगर बिलफर्ज ऐसे हो कि अगर आप पानी में आपका कोई दोस्त डूब रहा हो और आप उसको अपना हाथ पकड़ाएं और वो आपका हाथ छोड़ के आपकी नेक से पकड़ ले और पानी गहरा हो, तो फिर क्या होगा? पेन। पेन भी होगी और दूसरी बात क्या होगी? पानी में आप भी पानी में डूब जाएंगे, है ना? तो दोस्तों, कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ लोग जो होते हैं दुनिया में, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं ना दुनिया में शानवाज, कुछ लोग अल्लाह तआला ने गुड पीपल बनाए होते हैं, कुछ बैड पीपल होते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि क्रोकोडाइल की तरह होते हैं, वो पानी में ही रहते हैं और वो कहते हैं मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचा लो। फिर जैसे ही आप उनका हाथ पकड़ते हैं तो वो आपका हाथ पकड़ने की बजाय आपको नेक से पकड़ लेते हैं और उस सूरत में आप डूब सकते हैं और आपको इंजरीज आ सकती हैं और आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो हमेशा इस चीज़ को अपने ज़हन में याद रखें कि हर डूबने वाला शख्स जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो वाकई डूब रहा हो। दूसरी बात ये है कि अगर कोई इंसान डूब रहा हो और आप उसको अपना हाथ पकड़ाएं और वो आपका हाथ पकड़ने की बजाय आपकी गर्दन पकड़ ले, तो इसका मतलब है कि वो इंसान बहुत डेंजरस है और ऐसी सूरत में उस इंसान को छोड़ देना चाहिए और डूबने देना चाहिए, क्योंकि फिर ये क्रुएलिटी नहीं होगी, ये जुल्म नहीं होगा, इसमें आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी जान को बचा रहे हैं। क्योंकि अल्लाह ताला, पता है कुरान करीम में क्या कहता है? अल्लाह ताला कहता है कि अपनी जानों को कत्ल ना करो, अपने आप पर जुल्म नहीं करो। तो अगर कोई इंसान आप पे इतना ज़्यादा जुल्म करे कि आपकी जान को ख़तरा आ जाए और वो बेशक वो ख़ुद भी तकलीफ़ में हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके साथ आप भी सफ़र करें। तो दोस्तों, हमेशा इस चीज़ को याद रखें कि हर डूबने वाला शख्स ज़रूरी नहीं है कि उसका दिल अच्छा हो, वो मुमकिन है कि आप उसका हाथ पकड़ें और वो आपको डबो दे। तो उस सूरत में सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करें। हमारे पास हो सकते हैं ना कि बहुत सारे बैड पीपल भी हों, तो हमेशा अपनी सेफ्टी का ख्याल करें और अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें। अगर आपको किसी की हेल्प करते हुए आपको नुकसान पहुंचने का डर है तो आप उसकी हेल्प ना करें, उसकी कोई और हेल्प कर देगा या अल्लाह ताला कोई और उसके लिए सामान पैदा कर देगा। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने आप को सेफ रखें। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा लेसन ऑफ लाइफ। आपको अच्छा लगा शानवास? हाँ जी। आपने क्या सीखा बताएं? मैंने सीख लिया है, कभी एक फ्रेंड जो क्रोकोडाइल है जो पानी में अच्छा है वो कह रहा है मैं डूब रही हूँ, मुझे सेव करे, और फिर instead of holding your hand, he holds your neck. So that means that he is a dangerous person. You should just leave him and let him drown. Okay? Okay. That's his punishment. तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का छोटा सा ये lesson जो है आपको अच्छा लगा होगा। That was food for soul. है ना, जैसे हम खाना खाते हैं तो इसी तरह से ये फूड फॉर सोल थी। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।